एंडरमैन ह्यूमन कैसे है? कैसे? जब नॉच ने फर्स्ट टाइम गेम में पिलेजर को डाला तो उनके साथ उसने विलेजर्स को भी डाला जिनकी नाक लंबी है और ये स्टू से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि विलेजर्स आर नॉट ह्यूमन। तो फिर सारे इंसान गए कहाँ? कहा जाता है कि विच के केमिकल लोचे की वजह से एक वायरस बना जिससे सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गए और विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर में। फिर बचे हुए इंसानों ने मिलकर बनाया स्ट्रॉन्ग होल्ड अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो जब फर्स्ट टाइम पहला इंसान एंड पोर्टल में गया तो उसका सामना हुआ एंडर ड्रैगन से जिसको बहुत मुश्किलों के साथ उस बंदे ने मार दिया। लेकिन दोबारा वो अपने ओवरवर्ल्ड में जाना चाहता था तो उसे बाहर वाले इंसानों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद इस बंदे की बॉडी ऑटोमेटिक ब्लैक पड़ने लगी एंड ये बन गया एंडरमैन। उस टाइम उसकी विजन से उसे वहाँ पर बहुत सारे इंसान दिख रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि एंड सिटी भी इंसानों ने ही बनाई है। उसके बाद सारे इंसान धीरे धीरे एंडरमैन में चेंज होने लगे। पूरे माइनक्राफ्ट में सिर्फ दो ही इंसान बचे, स्टीव और एलेक्स। टेलीपोर्ट का यूज करके सारे एंडरमैन ओवरवर्ल्ड में आने लगे और वो स्टीव और एलेक्स का पीछा अभी भी करते हैं। इंटरेस्टिंग।